हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल भुवनेशवंश बी वी द एजुकेशन। टुडे वी विल आवर सेकंड AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स क्लास इन विच वी विल स्टडी अबाउट BA, BSc एंड BCom ऑनर्स EBS सिलेबस। ऑफ ऑल सेकंड यूनिट इज विच आवर टुडेज टॉपिक इज इकोसिस्टम। सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो डैट द लिस्ट upcoming courses will be provided to you. Will find the link of the given PDF in the description box. And a list of our latest B Honors Hindi course semester 2nd of DSC 6 Hindi Nibandha Anne Gadhi Vidhai. Lessons, playlist, videos link will be uploaded, found in the description box. So this is our subtopics of Unit 2 Ecosystem. We will learn about learning objectives of ecosystem, introduction of ecosystem, concept of ecosystem, structure of ecosystem, ecological pyramids of ecosystem and ecological succession and summary. So we will start now. There are some subtopics. Topics are as far as concept of ecosystem, structure of ecosystem हम पढ़ेंगे, biotic components, abiotic components, फिर ecological pyramids, ecological succession and summary. There are some learning objectives of ecosystem to know the concept, definition and structure of the ecosystem, जिसमें हम biotic, abiotic components का difference देखेंगे, रोल इंट्रैक्शन देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में, एक्सप्लेन करेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन को अंडरस्टैंड समझेंगे. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज आवर इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट. इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की ये सबसे छोटी इकाई है इकोसिस्टम. बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर, जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों नेचर के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो इसमें रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, उन्हें इकोसिस्टम कहा जाता है. डैट मीन्स देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. जिसमें अगर दूसरी तरफ जाने जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ चीज़ें रहें उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम. The study of the physical as well as biological processes including distribution or abundance of living organisms and the interaction between them with their surrounding environment is known as the ecosystem. जिसमें हम physical और biological terms में living or and non-living things को term करें उसे हम ecosystem में रखते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की energies का flow होता है living and non-living things के, जिसमें हम टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक एंड वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स को भी पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये है, ये हमें पूरी स्टडी के साथ डिस्क्राइब करना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम को है बायोटिक कॉम्पोनेंट. बायोटिक कॉम्पोनेंट में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं. प्रोड्यूसर जिसने सबसे पहले प्रोड्यूस की, जैसे घास पेड़ पौधे इकोसिस्टम में प्रोड्यूस हुए, ठीक है, लिथोस्फेयर के साथ. तो प्रोड्यूसर्स बाय हुए उगे, उसको कंज्यूम किया एनिमल्स ने, ठीक है, या कह सकते हैं हम इंसानों ने. तो उसके बाद जैसे एक एनिमल या कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके बाद जो डिकम्पोज होता है उसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है, जो उससे खाते हैं. इसमें एबायोटिक फैक्टर होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं जिसमें लाइट, टेम्परेचर और वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे. और एबायोटिक कॉम्पोनेंट में एडैफिक फैक्टर्स जैसे सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे. कंज्यूमर्स आर द हेटरोट्रॉप्स जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, खुद अपनी एनर्जी, खुद अपना जो भी उनका खाना वो अपने ऊपर ही डिपेंड रखते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि ईट डायरेक्टली करते हैं प्लांट्स को, लाइक एनिमल्स, ग्रास ऑपर्स, रैबिट्स. सेकेंडरी कंज्यूमर आता है
डायरेक्टली नहीं लेते हैं जैसे ग्रास ओपन ने डायरेक्टली खाई घास को, लेकिन उसमें से फ्रॉग और जैकॉल स्नेक्स ने ग्रास ओपर को खाया, या चूहे ने सबसे पहले प्रकृति से कुछ भी लिया और उस चूहे को खा लिया सांप ने। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स वल्चर्स। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स सम एक्सटेंड हेटरोट्रॉपिक नेचर, इसमें क्लोरोफिल की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये फूड और एनर्जी दूसरों पर डिपेंड रहकर ही पूरा करता है, जिसमें नेचर देन की देन कैन बी कॉल्ड द डेड वॉरस। डेटरी का मतलब होता है डेड एंड वॉरस मीन्स ऑर्गेनिक, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं कि डेड एनिमल्स को खाने वाले डिकम्पोजर्स होंगे। हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स में जो कंज्यूमर्स हैं वो 5 टाइप से बांटे गए हैं। फर्स्ट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हुए ग्रास ओपर्स, रैपिड स्टीयर शीप, तो इन्होंने घास खाई, फिर इनको खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने जिसे फूड चेन भी कहा जाता है, फ्रॉक्स लिजार्ड्स, और फ्रॉक्स लिजार्ड्स बर्ड स्नेक्स को टर्शरी कंज्यूमर हॉक ईगल टाइगर ने खाया। तो इस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम एंड मैराइन इकोसिस्टम होगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे और एडैप्टिव फैक्टर्स को पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होंगे, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, एनर्जीज, एंड एडैप्टिव फैक्टर्स में हम सॉइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट क्या है, ये सबसे एसेंशियल, सबसे ज़रूरी है, सबसे कंपल्सरी है हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर्स, क्योंकि लाइट के साथ बिना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइट नहीं पड़ेगी, जैसे सन है, सन के सबसे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो अगर सन ही नहीं होगा तो इससे घास नहीं उगेगी, घास नहीं उगेगी तो फर्स्ट कंज्यूमर नहीं खा पाएंगे, कंज्यूमर नहीं खा पाएंगे तो प्रोड्यूसर एंड देन डिकम्पोजर्स भी नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है लाइट की, इसमें क्लोरोफिल प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स लाइट थस डिसाइड द फिजियोलॉजी एंड प्लांट, डिफरेंट रीजन अलग अलग जगह पे लाइट की वजह से ही अलग अलग तरह की फसल, अलग अलग तरह की खेती होती है। टेम्परेचर से, जैसे अलग वेरिएशन में टेम्परेचर इंक्रीज है तो अलग दूसरे वेरिएशन में टेम्परेचर डिक्रीज, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर चलता रहता है। स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है लीव्स में, जिससे इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्लांट बॉडी के जरिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा देखा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, समर एंड विंटर में लाइट की ड्यूरेशन रहती है, टाइम तो सेम रहता है बट उसके जो सेकेंड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे विंटर्स में डेज छोटे होते हैं और नाइट लंबी होती है, इसी तरह जो गर्मी है उसमें डेज बड़े होते हैं, नाइट्स छोटे होती हैं, इस तरह से। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म बनना लाइट के सबसे ज़्यादा, ये फिर विजन, पिगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कैडियन रिदम, ये सभी एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर में इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर की एनिमल्स के लिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड थर्मल सेटिस्फेक्शन। और टेम्परेचर एनिमल्स के लिए वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड और एक्सोथर्मिक। ये जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट, थर्मल, ये प्लांट्स के लिए होगा। वाटर आवर सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज वाटर। लाइफ इज़ नेवर पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर का हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि किस में किस तरह का, कहाँ पर ओशन में, लेक में, पॉन्ड में, कहाँ पे किस तरह से पानी की जो परसेंटेज है वो है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी
प्लेलिस्ट लिंक के ज़रिए देख सकते हैं, लिंक आपको अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एडैपिक फैक्टर्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है सॉइल। सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड एनिमल टू ड्वेल ऑन इट। थस द फर्टिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द सॉइल इज द टॉपिक ऑफ द टाइप ऑफ द वेजिटेशन इन द एरिया। टू बी मोर स्पेसिफिक, द पीएच वैल्यू ऑफ द दिस फैक्टर सॉइल इज मोर देन 7 एंड लेस देन द एसिडिक ऑफ पीएच वैल्यू 7। ओके, अगर कहें तो हमारी जो सॉइल की पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल रहेगी, कि ना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है ना ज़्यादा बेसिक इन नेचर है। ठीक है, हमारी सॉइल के अलग अलग ओरिजन्स होते हैं। सबसे पहले लास्ट में नीचे से हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आर मीन्स बेडरॉक, इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। उसके ऊपर आती है सबस्ट्रेटम, इसमें चट्टानें कम हो जाती हैं धीरे धीरे। ऊपर सब सॉइल में चट्टानें और कम हो जाती हैं जहाँ तक हमारी जड़ें फैली रहती हैं। उसके ऊपर ए सरफेस, सबसे पहला सरफेस आएगा जहाँ पे हम बीज को बोते हैं। उसके ऊपर ओ ऑर्गेनिक, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक जो भी घास कोई भी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। एंड देन टॉप पे आएगा। ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन थी हमारी सॉइल की अलग अलग टेक्सचर्स की। सॉइल सबसे ज़रूरी है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों, मतलब कि बड़े ऑर्गेनिज्म एंड छोटे ऑर्गेनिज्म दोनों तरह से जो मिट्टी है उसको पोषण तत्व न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमारे तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड नंबर्स में, बायोमास में एंड एनर्जी में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमने फूड चेन पढ़ी, उसी फूड चेन को अलग अलग तरह से फूड चेन के माध्यम से एक बैलेंस डाइट में, बैलेंस सिस्टम में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स के बैलेंस सिस्टम को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले नंबर्स के ऊपर, फिर बायोमास एंड थर्ड इज एनर्जी के ऊपर, किस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स रहते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, एज द नेम सेज, इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज काउंटेड एंड अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव वॉल्यूम टू ईच ट्रॉपिक लेवल इज अलॉटेड इन द पिरामिड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर्स आर द नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स हायर इन द नंबर दैन द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द अदर ट्रॉपिक लेवल। जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं और कंज्यूमर्स कम होते हैं। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इस ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज वैन वी गो फ्राम बॉटम टू टॉप इन अ पिरामिड। इस वाले में हम जब नंबर ऑफ पिरामिड पढ़ते हैं तो इसमें हम हर एक इंडिविजुअल को ट्रॉपिक लेवल के साथ घटाते हैं, जिसमें हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स आर नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप्स। इन्हें स्टैंडिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं ट्रॉपिक लेवल पर। नॉर्मली द पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट, जो नॉर्मली होता है वो पिरामिड्स का नंबर होता है अपराइट होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम इस तरह से रहते हैं। समटाइम्स इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द केस, इन्वर्टेड पिरामिड्स भी देखे जाते हैं। मिक्सड स्पिंडल शेप्ड मतलब लहरें की तरह एक इकोसिस्टम के टाइप को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है इकोलॉजिकल पिरामिड की, जो कि नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले प्रोड्यूसर घास हुई, फिर हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ हम इसे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस कह सकते हैं, ठीक है, जो कि घास और हरे पौधे ही खाते हैं। फिर फर्स्ट लेवल कार्निवोरस आएगा एंड उसके बाद सेकेंड लेवल कार्निवोरस टर्शरी कंज्यूमर्स आएगा, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोरस को कार्निवोरस एनिमल्स ने खाया और एंड लास्ट में कार्निवोरस एनिमल्स को सेकंड टाइप टर्शरी कंज्यूमर कार्निवोरस एनिमल्स ने खाया, ठीक है। इसमें अपराइट पिरामिड्स नंबर्स के ऊपर बताया गया पॉन्ड और ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स, फिर कार्बिवोरस, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस। एंड
पॉन्ड में भी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स फिश कार्निवोरस फर्स्ट टाइप के, फिर कार्निवोरस सेकंड टाइप के, एंड कार्निवोरस टॉप टाइप। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का जो पिरामिड है ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता है, ठीक है। बायोमास इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ द एनिमल्स, ये एनिमल्स का ड्राई वेट होता है प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इन एनी पॉइंट। लाइक पिरामिड ऑफ नंबर सिट में भी अपराइट और इंटरवर्टेड, जो वो था पिरामिड ऑफ नंबर वो बॉटम टू टॉप था, अपराइट था, लेकिन ये डाउनवर्ड में होगा फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे हमने पढ़ा था। तो अपराइट इन द केसेस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड कॉमर्स आर ऑब्जर्व। ये जो हमें दिखाई दे रही है मतलब सबसे पहले हाइपर पैरासाइट्स मतलब कीड़े मकोड़े, उनको खाया पैरासाइट्स ने, पैरासाइट्स को खाया हर्बीवोरस ने, और हर्बीवोरस को जब वो मर गए हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस डिकम्पोज होके बन गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड भी दे रखा है कार्निवोरस टू हर्बीवोरस, हर्बीवोरस टू प्रोड्यूसर्स। इस तरह से होता है कि टॉप कार्निवोरस 1 किलो का था, उसको अलग अलग ने लिया तो वो हो गया 10 kg, 10 kg टू 100 kg, 100 kg टू 1000 kg। एंड स्पिंडल शेप्ड में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से बढ़ता रहा गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी पिरामिड में हम फूड चेन, फूड वेब सिस्टम्स को देखते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी में रखा गया है। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देखी जाती है कि पहले 10% एनर्जी, उसके बाद 10 kcal, इस तरह से एनर्जी 1000 kcal, इस तरह से अमाउंट एनर्जी का बढ़ता जाएगा। द पोजिशन ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिजम्स इन इज नॉट फिक्सड इन वन इकोलॉजिकल पिरामिड, एक इकोलॉजिकल पिरामिड में किसी की भी कोई भी पोजिशन फिक्सड नहीं रहती है, अलग अलग तरह से वेरी मतलब बढ़ती या घटती या बदलती रहती है। देर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस में किसी प्रकार का किसी तरह का कोई स्टडी इफेक्ट नहीं आता। द रोल ऑफ द डेटिवोरस इज नो, डेटिवोरस जो हमने अभी पढ़ा डिकम्पोजर्स को ही कहा जाता है। इसमें हम ऐसे पढ़ सकते हैं पहले 10,000 kcal प्रोड्यूसर्स थे, वो 1,000 kcal प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, फिर 100 kcal सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए, एंड थर्ड टॉप पे हमारे टर्शरी कंज्यूमर 10 kcal हो गए। नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये डिक्रीजिंग रेट है एनर्जी फ्लो का, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे एनर्जी पिरामिड हो गए कि सबसे पहले था 100% प्रोड्यूसर, देन उनको खाया हर्बीवोरस एनिमल्स ने तो प्राइमरी 10% कंज्यूमर हो गया, फिर उनको खाया कार्निवोरस ने तो वो 1% सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, एंड लास्ट में उनको खाया टॉप लेयर के कार्निवोरस ने तो वो हो गया 0.1% कंज्यूमर्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसमें हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन को टर्म को कॉइन किया था रैगनर हॉल्ट 1885 में, फेमस इकोलॉजिस्ट थे ये क्लेमेंट, डिफाइंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एज अ नेचुरल, उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली क्लोनाइज्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग लोकेलिटी में किस तरह से सक्सेस किया जाए नेचुरल प्रोसेस के जरिए, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा गया। करेक्टरिस्टिक्स है इसकी द स्पीशीज टाइप्स एंड द कम्युनिटी चेंज इन द ऑर्डरली प्रोसेस, कि कम्युनिटी के हिसाब से जगह के हिसाब से जो उसकी टाइप है स्पीशीज के वो भी बदलते रहते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी चेंजेस बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स डेट ग्रो देयर, कि जो बायोलॉजिकल एक्शंस थे फैक्टर्स थे वो भी बदलते गए बढ़ते गए। एंड लास्ट स्टेबल इकोसिस्टम, और स्टेबल इकोसिस्टम हमारा बना बोथ बायोटिक एज वेल बायोटिक फैक्टर्स से, जब इनका इंटरेक्ट होता है इक्विलिब्रियम रहता है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल रहते हैं दोनों इकोसिस्टम में। देन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट्स एस्टैब्लिश्ड देयर विच इन टर्न मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम
विच द एनवायरमेंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा कि जो टॉप लेयर है वो बेड रॉक, मॉसेस, ग्रासेस, ग्रासेस, पैनल्स, वुडी प्लोडियस, इस तरह से हमारी चलती जा रही है। तो अगर हम डार्क ग्रीन लाइन को देखें तो टॉप ऊपर से जाते हुए नीचे चली गई, ग्रीन लाइन को देखें तो वो सबसे पहले डिक्रीज टू इंक्रीज, इंक्रीज टू डिक्रीज हुई। इसी तरह थर्ड लेयर, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ लेयर भी हमारी इसी तरह गई। ये हमें पता है अगर कोई भी चीज़ है तो वो पहले छोटी होगी तभी ग्रो करते करते वो बड़ी होती जाएगी। इसी तरह पहले हमने बीज बोए, उसमें खाद, फर्टिलाइजर्स, मैनुअर्स ऐड किए, धीरे धीरे वो बढ़ते गए, फिर इरिगेशन के साथ और बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते वो पूरी हार्वेस्टेड क्रॉप हुई। तो ये छोटे से बीज से हार्वेस्टेड क्रॉप बनी, तो उसे हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट सक्सेशन बोलेंगे। कॉजेज क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन के? इनिशियल, कॉन्टीन्यूस एंड स्टेबलाइजिंग कॉजेज हैं। इनिशियल कॉजेज हैं कि इसमें डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा रहता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स पे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे ये सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन, हैवी विंड रेनफॉल, फ्लड, ड्राफ्ट, लैंडस्लाइड्स, ऐसे रहता है, ठीक है। और बायोटिक फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, झूम कल्टिवेशन जो हुई थी हिस्ट्री में वैसे होता है। कॉन्टीन्यूस कॉजेज जो कि अलग रोज़ रोज़ चलते रहते हैं, जैसे रोज़ लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, माइग्रेशन हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काट रहे हैं, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट की हानि करते हैं, वही स्टेबलाइजिंग कॉजेज में हम इकोसिस्टम के क्लाइमेटिक कंडीशन को, एरिया को, एविबिलिटी को, मिनरल्स, फर्टिलिटी, इस सभी चीज़ों को देखते हैं कि कहीं कहीं बार जो फर्टिलिटी है, फर्टाइल्स, मैनुअर्स, वो भी गलत आ जाते हैं, मिनरल्स नहीं मिल पाते, फ्लो ऑफ फूड, एनर्जी डिस्कर्स्ड रह जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टोटल 8 टाइप्स के हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन रहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, रॉकी एरियाज, ठीक है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन रहता है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे फ्लड, फायर एक्सेट्रा। ऑटोजेनिक सक्सेशन थर्ड टाइप है हमारा, इसमें हमारे कंपोनेंट्स बदलते रहते हैं जैसे प्रोड्यूसिंग कॉजेज, डेवलपमेंट्स। एलोगेनिक सक्सेशन में हमारे एबायोटिक फैक्टर्स इसके लिए कॉजेबल होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, ठीक है, स्ट्राइक्स, अर्थक्वेक्स वगैरह। इंड्यूस्ड सक्सेशन में हमारी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाती हैं। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में डिपेंड एबल हो जाते हैं किसी और के ऊपर, इसलिए। हेटरोट्रॉपिक में अनडेवलपमेंट रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, जैसे मशरूम्स, लाइक फंगी, ठीक है। एंड लास्ट इज 8th टाइप, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, जिसमें हमारे फॉरेस्ट कम्युनिटी चेंजेस, श्रब लैंड, ग्रास लैंड, बैरन लैंड, ये सभी डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग के कारण ख़त्म होते जा रहे हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा है हमारे बायोटिक इंटरफेरेंसेस। दिस इज आवर द समरी ऑफ द चैप्टर यूनिट इकोसिस्टम एंड देन ग्लॉसरी, एंड जो भी इसके बीच में क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप्स, लॉन्ग आंसर टाइप्स एक्सेट्रा एज वेल एज, तो आप उसे कर सकते हैं। इकोसिस्टम यूनिट कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर एंड पिरामिड्स एंड सजेशन की आपको वीडियो मिल जाएगी, एंड देन जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ये सेकेंड यूनिट समझ आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक में आपको प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगी, और थैंक यू। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड सभी वीडियोस आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो EVS है, इसी सब्जेक्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज में एनेक्चर फर्स्ट सेकंड में है, तो इसमें आपको
अगर आपका कोई भी रिलेटिव फ्रेंड DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो आप उसे भी उसके कोर्स से रिलेटेड ये वीडियो सेंड कर सकते हो. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. थैंक यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल भुवनेश्वर द एजुकेशन. थैंक यू.